देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही रह गए हैं। आज हम बात बिहार के जमुई लोकसभा सीट की करेंगे, जहां से वर्तमान में चिराग पासवान सांसद हैं। देखिए चिराग पासवान के सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी की नज़र है। जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री रहे बिहार सरकार में संतोष मांझी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जमुई लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी चुनाव लड़ेगी और एनडीए से हम कहकर यह सीट हम अपने लिए मांगेंगे। देखिए चिराग पासवान भी एनडीए में है और जीतन राम मांझी की पार्टी भी एनडीए में है, यानी कि भाजपा के साथ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। अब चिराग पासवान वहां से सांसद हैं और उनके ही सीट पर दावा ठोक रही है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी, जो पूर्व में मंत्री हैं, मंत्री थे बिहार सरकार में। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जमुई लोकसभा सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले बता रहे हैं कि चिराग पासवान से पहले यहाँ पर भोला मांझी सांसद हुआ करते थे और इस क्षेत्र में यानी कि जमुई लोकसभा में हमारे जाति के संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है। तो हम एनडीए में इस बात को रखेंगे कि हमें जमुई लोकसभा सीट दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए। देखिए चिराग पासवान दो सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, एक जमुई लोकसभा सीट जहां से वर्तमान में सांसद हैं और दूसरा हाजीपुर लोकसभा सीट। लेकिन एक तरफ जमुई में उनके ही घटक दल के यानी कि देखिए चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और पशुपति पारस की पार्टी, ये सभी दल एक साथ एनडीए में हैं। तो अब जमुई लोकसभा सीट पर चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, वहीं से उन्हीं के एनडीए के घटक दल जीतन राम मांझी की भी पार्टी कह रही है चुनाव लड़ेंगे। और चिराग पासवान दूसरा उनका सीट हाजीपुर लोकसभा सीट है, तो वहां फिर एनडीए के ही घटक दल उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस कह रहे हैं कि किसी भी कीमत में हम हाजीपुर लोकसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। तो एनडीए में चिराग पासवान को लेकर अब मामला फंस रहा है। चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे? एनडीए किसी एक को ही सीट देगी? अब चिराग पासवान कह रहे हैं हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे या फिर जमुई लोकसभा सीट से, और एनडीए के ही घटक दल एक तरफ पशुपति पारस कह रहे हैं कि हाजीपुर हम नहीं छोड़ेंगे और जीतन राम मांझी की पार्टी कह रही है कि जमुई लोकसभा सीट हमको चाहिए। तो फिर चिराग पासवान कहाँ जाएंगे? और अगर बात दोनों लोकसभा सीट की जाए, हाजीपुर और जमुई, तो चिराग पासवान इन दोनों पर सबसे भारी पड़ेंगे। जमुई में जब चिराग पासवान पहली बार चुनाव लड़े थे तो 1,00,000 वोट से जीते थे, 2014 की बात हम कर रहे हैं, और जब 2019 में चिराग पासवान जमुई से दूसरी बार जीते लगभग 2,50,000 से अधिक वोट से। चिराग पासवान अगर तीसरी बार भी अगर जमुई से लड़ते हैं तो उनका जीत पक्का है, और हाजीपुर से भी अगर चिराग पासवान लड़े तो वहां पर भी चिराग पासवान का जनादेश इन दोनों नेता से सबसे ज़्यादा है। लेकिन चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस कह रहे हैं कि हाजीपुर की धरती की सेवा हमने की है, जब तक राजनीति में जिंदा रहेंगे हाजीपुर लोकसभा सीट हम नहीं छोड़ेंगे। और एक तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं। उनके बेटे संतोष मांझी कह रहे हैं कि एनडीए से यह सीट हम मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पर भोला मांझी पहले सांसद रह चुके हैं और हमारे जाति के लोगों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। तो एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ होगा, कैसे मामला सुलझेगी, चिराग पासवान कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ जमुई और दूसरी तरफ
हाजीपुर दोनों जगह पर दूसरे कोई दावा ठोक रहे हैं तो चिराग पासवान क्या करेंगे? और चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े तो चिराग पासवान का जनादेश ज़्यादा होगा, और जमुई से भी लड़ते हैं तो वहाँ पर भी उनका जनादेश ज़्यादा होगा। लेकिन देखिए एनडीए में यह मामला अब उलझते जा रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर मामला फिर से सामने आएगा। अभी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा अब शुरू हो चुकी है। एनडीए में सीट बंटवारे के समय देखना होगा कि चिराग पासवान को कहां से सीट मिलता है। हालांकि एक बार फिर से कह दे रहे हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी कितना भी दावा कर ले, एक तरफ उनके चाचा पशुपति पारस कितना भी दावा कर ले, चिराग पासवान को दो सीट जरूर, दोनों में से कोई एक सीट जरूर मिलेगा, या तो जमुई या फिर हाजीपुर लोकसभा सीट। चिराग पासवान इन दोनों सीट में किसी एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए चिराग पासवान की अगर बात की जाए बिहार के राजनीति में, तो चिराग पासवान के पार्टी के पास भले ही सांसद ना हो, लेकिन अगर वोट की बात की जाए, वोट बैंक की बात की जाए, तो पासवान समाज में सबसे ज़्यादा अगर किसी का पकड़ है रामविलास पासवान के बाद, तो वो चिराग पासवान हैं। उनके चाचा पशुपति पारस भले ही अपने आप को उत्तराधिकारी कहें, अपने भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, लेकिन जो वोट बैंक है जो रामविलास पासवान जी के पास था वो चिराग पासवान के पास है। और इन दिनों बिहार के राजनीति में चिराग पासवान सबसे बड़ा युवा नेता बनते जा रहे हैं। बिहार के बाहर भी चिराग पासवान छाए रहते हैं, चिराग पासवान की वहाँ पर भी खूब जय जयकारा होती है। बिहार के तमाम अलग अलग जिलों में चिराग पासवान जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, और आज जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास बिहार में मजबूती के साथ अब खड़ी हो रही है। हाल ही में चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा भी निकाले हुए हैं। उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम हो रहा है, और चिराग पासवान फिलहाल दिल्ली में है, और चिराग पासवान बिहार के राजनीति में पूरे सक्रिय हैं। 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान बड़ा दावा ठोकेंगे। लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, आप बिहार एक सोच पर बने रहें। बहुत बहुत